हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस वी ब्लॉग। और मैं हूं सनत भगत। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोग मायाली में कैसे ग्रैंड तरीके से एंट्री किए, और इंट्रो होने के बाद मैंने वीडियो ख़त्म कर दिया था। तो फिर ये वाली वीडियो बस उससे आगे होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो पर और काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इन्जॉय करते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे मूवमेंट्स हैं, तो आप लोगों से शेयर करने में मुझे काफ़ी जल्दी है। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे सबका इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे स्टंट करने के लिए, और सब बाइकर्स निकल रहे हैं। तो हम लोग बस हम लोग भी जा रहे हैं, और यहाँ पे पूरे बाइकर्स जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं एकदम से। और मैं आपको रियर कैमरा से दिखाता हूँ, क्योंकि आवाज़ भी मेरी नहीं आ रही होगी, क्योंकि इतना अच्छा माहौल बना दिए हैं हम लोग मायाली में। बाइक भी ला रहे हैं, सब लोग निकलते थे यहाँ से। मैं बस पैदल पैदल जा रहा था, क्योंकि बाइक में मैं जाऊँगा नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं स्टंट के लिए ये अच्छा सा ब्यूटीफुल वाले लोकेशन पे, क्योंकि मैं पहले आया नहीं, क्योंकि मैं इन्हीं के साथ आना चाह रहा था। और यहाँ पे पूरा पानी पानी है, और काफ़ी अच्छा जगह भी लग रहा है। अभी यहाँ पर मज़ा आएगा, सारे बाइकर्स यहाँ पर भी अपना अपना कला का प्रदर्शन करेंगे, और जिनको जो करना है वो करेगा। यहाँ पे पूरा पूरा छूट है यहाँ पे, और कितनी अच्छे से अच्छा लोकेशन है यहाँ पे। आइए कभी आप, मज़ा आ जा रहा है भाई। ओहो, उड़ी बाबा, रुक जाओ भाई। यहाँ से लेकर के वहाँ तक बाइकें लगी हुई है और आ रही हैं अभी भी। और ये खूबसूरत सा डैम, गजब लग रहा है, मस्त। हेलो बाइकर, स्टंट जो भी बाइकर करेगा थोड़ा सा सावधानी से, उत्तेजित नहीं होना है, जोश में नहीं आना है।
तो गाइस ये था बाइकर जसपुर का खतरनाक स्टंट और काफी माहौल बना के रख दिया अपन ने और काफी मजा भी आ रहा है यहाँ पे। गजब के स्टंट हुए यहाँ पे और बहुत मजा आ रहा है, एकदम मजा आ जा रहा है, क्या बोलना आपको। शकल और बाल का तो बैंड बस गया है स्टंट के कारण और वीडियो बनाने के कारण। तो गाइस यहाँ से हम लोग बस जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं और हम लोग अभी राइड करेंगे जो दिखा वो जो पीछे दिख रहा है ना डैम किनारे किनारे से होते 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 तो वो पहाड़ तक जाना है। तो फिर यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया तो आगे फिर मजा करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग बस यहाँ पे लाइन अप हो रहे हैं और हो चुके हैं बोलूँगा मैं, तो अभी यहाँ से हम लोग राइड करेंगे चेरेडांड तक, फिर वापस ऐसे ऐसे ही ऐसे टर्न करके वापस आएंगे यहाँ पे मयाली पे। तो बस अभी लाइन अप हो रहे हैं यहाँ से, तो फिर यहाँ से निकलेंगे और यहाँ सारे बाइकर्स लोग हैं पीछे में और काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ मैं भी खूब ज़्यादा। तो फिर बने रहिएगा और यहाँ तक देख लियो वीडियो तो फिर एक लाइक कर देना, ठीक है। फिर यहाँ से निकलते हैं लाइन अप होने के बाद में। तो गाइस हम लोग बस राइड के लिए निकल गए हैं और असली मजा जो है बस यहीं से आ रहा है। इधर का व्यू दिखाऊं तो फिर ऐसा होके रखा हुआ है इधर पूरे एकदम से जोश में है सबके सब, ये यहाँ तक है और इधर काफी अच्छा लग रहा है। मैं सामने जाने की कोशिश करता हूँ, हेलो। काफी मजा आया यहाँ पे, मजा आ गया, मैं ट्राइपॉड पे रखा था नीचे फोन को। काफी सुंदर व्यू है यहाँ से, यहाँ से पूरा मयाली और ये पूरा पानी वानी हो रखा है, जमा हो रखा है और पूरा वहाँ से पूरा बाइक जा रहा है, पूरा वहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ वहाँ से अपन ने यहाँ से शुरुआत करी, यहाँ से जाते जाते पूरा वहाँ तक, फिर भी वहाँ से कितना अच्छा लग रहा है वो पहाड़ पे जा रहे हैं सारे के सारे बाइकर्स। अभी अंबिकापुर वाले आए भाई भाई और भैया लोग आए हैं और फिर राउरकेला से भी आए हैं। हमको जाना है ऊपर, यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं काफी खतरनाक। ओह आर्यन इज हियर, ये अपना इवनिंग ट्रैक हो गया अपना, इवनिंग ट्रैक यहां से आपको मैं आप ब्लॉग में देख लोगे भाई एग्जैक्ट मतलब तरीके से जो हम लोग सोच रहे थे वो अपने को व्यू मिलने वाला है यहां से। ओके यहां से आपको प्रॉपर मिलेगा अपना क्या बोलते हैं कौन सा घाट, महादेव घाट ना जो भी, मेरे को नहीं पता हां जो भी है, और प्रॉपर व्यू मिलने वाला है यहां से और देख सकते हैं हाफ यहां और आधे कितने लोग हैं वहां देख सकते हैं। हम लोग वहां पे थे, वहां से आए ऐसे, उसके बाद फिर यहां पे आधे लोग भाई लोग हैं और आधे यहां पे हैं। तो गाइज यहां पे हम लोग फोटो शूट करा रहे थे पूरा ग्रुप का ऐसे बैठ के और काफी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, और जो राइड की जो असली मजा थी ना वो अब आई
मैं काफ़ी टाइम से बोलना चाह रहा था कि राइड है, छोटी राइड करके, पर ये काफ़ी बड़ी राइड हो गई हमारी, और इधर बाइक खड़ी है और इधर पूरी बाइक खड़ी हुई है, और बस हम लोग यहाँ पर फोटो शूट करा रहे थे। और जो असली राइड की जो मज़ा होती है ना, वो वाकई में बहुत ही शानदार हुआ इस बार की राइड। तो फिर इंजॉय करिए, बस यहाँ पे हम लोग तो ठीक है, मज़ा आ रहा है, पर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ ये भी नहीं आ रहा है, मेरे में शब्द ही नहीं है, बाकी बहुत मज़ा आ रहा है। बस यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, हम लोग बैठे हुए थे। इधर देखो, क्या बोल रहे थे यार? हम आपको व्लॉग माना चाहते हैं, आपको बताइए कि हम लॉस्ट राइडर 14 है, हम पागल आदमी है, अकेले कहीं भी निकल जाते हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, और यहाँ से हम लोग अभी बस चलेडान घूमने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्या नाम है यहाँ पे? बादल भगत। कहाँ से हो? जसपुर। तो ठीक है, यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ। और मैं नीचे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को फुटेज लेना है वीडियो का, इसलिए नीचे जा रहा था मैं। तो बस हम लोग ये नीचे आ गए, हम लोग ऊपर में थे, वहाँ पे घूम रहे हैं, वहाँ पे ठीक है। Up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe, can't get it right. Remember the days I let slip away. It was simpler time. To. राम प्यारी में हम सवार होकर जा रहे हैं। तो गाइस, हम लोग जब वो ऊपर में थे पहाड़ के पास, तो फिर अभी यहाँ पे हम लोग मेन रोड पे आ चुके हैं। यहाँ से अभी हम लोग का राइड है बस चरेडान होते हुए, फिर वापस हम लोग कैंप में जाएंगे। तो यहाँ से निकलते हैं। When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. They were simpler times. Mama told me before you leave, this is only one thing. ये हम लोग छोटी सी राइड करके अभी शाम के वक्त वापस आ रहे हैं अपना कैंप एरिया में। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी मज़ा किए, काफ़ी इन्जॉय किए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। For so long, I was living my life. Was so wrong.